दोस्तों, अन्ना ग्लो किचन में हम करेला का काजू एंड आलू वाली सब्जी बना रहे हैं। उसके लिए मैंने रात को करेले को लंबे काट के नमक में भिगोया था और पूरी रात उसको नमक के साथ रहने दिया। सुबह में 5-6 पानी से वॉश किया और छन्नी में उसको कोरा होने को रखा है। और इसी तरह मैंने आलू को भी चिप्स में काट के धो के तैयार किया है। एक प्याज को मैंने लंबा कतरन में काट के तैयार किया है और थोड़ा जो बघार में चाहिए इतना तेल लेके उसमें मैं सबसे पहले आलू को फ्राई कर रही हूँ। दोस्तों, आलू होने के बाद हम ये करेले को भी फ्राई करेंगे। दोस्तों, हमने आलू को ऑयल में ब्राउन फ्राई कर लिया। देखो, आप गोल्डन ब्राउन हो गए आलू। अब इस तरह से ही 5 बार धोए हुए करेले को, जो उसकी चिप्स बनाई है, उसको भी हम सेलो फ्राई करेंगे। और बाद में सब करेले को, देखो मैंने टिश्यू पेपर में रखा है जिससे पानी सोख ले। और फिर हम पहले प्याज बघार के हमारे आलू और करेले के चिप्स डाल के सब्जी बनाएंगे। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। अनिल अश्रा फ्रॉम अन्ना ग्लो किचन। दोस्तों, अन्ना ग्लो किचन में हम करेले की काजू वाली सब्जी बना रहे हैं। उसके लिए मैंने पहले आलू को तेल में फ्राई किया, फिर करेले को भी फ्राई किया। और अब हम ये मैंने प्याज और मिर्ची काट के रखी है, तेल रखा है। तेल में मैं राई और हींग डाल के हमारे ऑनियन को डाल। तो यहाँ पे मैंने तेल आने के बाद राई और हींग डाल के फिर उसमें प्याज और मिर्ची डाल के उसको फ्राई कर रही हूँ। मैंने हल्दी भी डाली है दोस्तों। अन्ना ग्लो किचन में दोस्तों हम करेले की काजू वाली सब्जी बना रहे हैं। उसके लिए मैंने आलू को लंबे चिप्स में काट के उसको फ्राई किया है तेल में। फिर करेले को भी 4-5 पानी से धो के रात को मैंने मीठे सॉल्ट में उसको भिगाया था और फिर कोरा करके टिश्यू पेपर पे मैंने उसको सेलो फ्राई किया है। अब मैं तेल में राई, हींग, हल्दी डाल के उसमें प्याज और ग्रीन चिली डाली है दोस्तों। हमारे प्याज ब्राउन होने से हम जो फ्राई करके रखे हुई सब्जी आलू और करेले डालेंगे। और एक तरफ हम छोटे उसमें थोड़े काजू को फ्राई करेंगे। इसमें भी काजू को फ्राई कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं उसको अलग रखने के लिए काजू को मैं अलग कटोरी में फ्राई करूँगी। सब चीज़ को सेलो फ्राई करना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई, मैंने आलू की चिप्स और करेला जो फ्राई करके रखा था वो डाला। अब सब सूखे मसाले उसमें गिरेंगे। 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी। हल्दी हमने थोड़ी डाली है तो थोड़ी ही डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार और लगभग 10 ग्राम जितना गुड़। और फिर ढक के 10 मिनट पकाएं। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर डाला है, नमक स्वाद अनुसार डाला है। अब थोड़ा गुड़ डालें। दोस्तों, अन्ना ग्लो किचन में हम करेला की काजू वाली सब्जी बना रहे। मैंने करेला और आलू की चिप्स को प्याज होते ही पैन में डाला है और सब सूखे मसाले डाल के मैंने उसमें गुड़ डाला है। इतना गुड़ चाहिए क्योंकि करेला कड़वा होता है। वैसे उसको 4-5 पानी से धोने से काफ़ी कड़वाहट निकल जाती है, फिर भी दोस्तों बैलेंस करने के लिए हम गुड़ डाल रहे हैं। और लास्ट में जब हमारे करेले और आलू पक जाएंगे, हम थोड़ा आमचूर डालेंगे और हमारी काजू वाली करेले की सब्जी तैयार हो जाएगी। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। अब हम इसको ढक के 10 मिनट पकाएंगे धीमी आंच पे। मैंने थोड़ा पानी डाला है, 1/2 ग्लास। इसको ढक के पकाना है दोस्तों। दोस्तों, अन्ना ग्लो किचन में हमने
करेले की काजू वाली सब्जी बनाई, उसके लिए मैंने उसको ढक के पकाया था। आप देख सकते हो बहुत अच्छी क्रिस्पी सब्जी तैयार है। आ जाइए दोस्तों, खाते हैं। धन्यवाद। थैंक।